आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद चुनावों के नतीजे आए हैं और ये नतीजे ये बताते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से अव्वल नंबरों से पास हो गई है और समाजवादी पार्टी की साइकिल की हवा निकल गई है, क्योंकि आज 36 सीटों पर नतीजे आए हैं। ये 36 सीटें वो प्रमुख सीटें हैं जिनमें से 9 पर पहले ही निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी थी और 27 पर आज गिनती हुई है। 27 में से अगर बताया जाए तो 3 पर, 2 में निर्दलीय, 1 पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पार्टी के प्रत्याशी को छोड़ दिया जाए तो 24 सीटों पर बीजेपी जीती है। यानी यहां पर समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है और दूसरी बड़ी पार्टी बनकर आई है राजा भैया की जनसत्ता दल। तो आप खुद सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आखिर विपक्ष की राह कितनी आसान है। 9 सीटों पर पहले निर्विरोध, 27 पर आज नतीजे आए हैं, 24 पर बीजेपी जीत चुकी है और ये जीत काफ़ी अहम है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूती के लिए। क्योंकि विधानसभा में तो बीजेपी मजबूत है ही, उसको विधान परिषद में मजबूत होना था और वो उसने कर दिया है। लेकिन एक रिकॉर्ड भी बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि पहले इसके देखा जाए तो जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो 37 साल पुराना एक मिथक बीजेपी ने तोड़ा था और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा काबिज हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और इस बार जो ये नतीजे आए हैं इससे ये साफ साबित हो रहा है और नया इतिहास रचते हुए ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं। और वो इतिहास ये है कि 40 साल बाद विधान परिषद में किसी राजनीतिक दल की जो मेजॉरिटी है वो हुई है। और इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत हुआ करता था, लेकिन इस बार 40 साल बाद बीजेपी ने विधान परिषद में अपना पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 100 सीटें होती हैं, 100 में से बीजेपी के पास इस वक्त 67 सीटें हैं और बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत पड़ती है, यानी 16 सीटें बीजेपी के पास इस वक्त ज्यादा हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही अहम नतीजा बीजेपी के लिए भी था और बहुत ही अहम लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए भी थी, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में दो पार्टियों के बीच उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, बीजेपी जीती है, सपा सेकेंड नंबर पे है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसके बाद ये जो विधान परिषद के चुनाव आए उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स के पर्चे नहीं भरने दिए गए, कुछ के साथ मारपीट हो गई, कुछ के पर्चे निरस्त हो गए और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा उन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई। तो ये साफ साबित होता है कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से किसी भी बिल को, किसी भी कानून को पास करवाने के लिए सक्षम हो चुकी है। विधान परिषद और विधानसभा को मिला लिया जाए, उच्च सदन और निम्न सदन को। इसके अलावा अगर दूसरे राजनीतिक दलों की बात की जाए विधान परिषद में, तो इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास 17, बसपा के पास 4, कांग्रेस के पास 1, अपना दल एस के पास 1, शिक्षक MLC 2 हैं, 5 निर्दलीय हैं, 1 निषाद पार्टी से हैं और 2 सीटें जो हैं वो अभी खाली पड़ी हुई। तो ये कुल लेखा जोखा इस वक्त का है, ये विधान परिषद में किसके पास कितना क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा 67 सीटें बीजेपी के पास विधान परिषद में भी हो गई हैं। ये आंकड़े की अगर बात करी जाए, सत्ता की बात करी जाए, क्योंकि कहा जाता रहा है कि ये जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं ये राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो सत्ता में होती है। कहा पहले से जा रहा था कि बीजेपी को काफी फायदा होगा इस चुनाव में और हुआ भी कुछ उसी तरह, लेकिन ये इस बार का नतीजा नहीं है, ये हमेशा से इसी तरह से रहा है। 2004 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तब 36 में से 24 सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2010 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो 36 में से 34 सीटें मायावती यानी बसपा ने जीती थी। इसके अलावा 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे
तो 36 में से 31 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जिसमें से 8 निर्विरोध थी। तो ये जो परंपरा है ये पहले से चली आ रही है और उसी परंपरा को एक बार फिर से इस बार बढ़ाया गया है, जहां पर 36 में से 33 सीटें बीजेपी जीत करके विधान परिषद में सबसे ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब यहां से सवाल कई सारे हैं। सवाल पहला यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी, जिसने विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती से चुनाव लड़ा, 111 सीटें जीती, गठबंधन ने मिलाकर 125 सीटें जीत ली, वो विधान परिषद चुनाव में अपने आप को मजबूत क्यों नहीं कर पाया, वो बीजेपी से क्यों नहीं लड़ पाया। दूसरा सवाल यह है कि अब विपक्षी दलों के सामने काफी समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में आ गए हैं तो बीजेपी के लिए काफी समस्याएं हो जाएंगी विधानसभा से लेकर के सड़क तक। लेकिन जब विधानसभा और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं रह पाई, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो अखिलेश बन गए लेकिन उनके राजनीतिक दल के अंदर ही कई सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, चाहे शिवपाल यादव की बात कर ली जाए, आजम खान की बात कर ली जाए, और उसके बाद ये MLC चुनाव के नतीजों की बात कर ली जाए, तो ये समस्याएं विपक्षी दलों के लिए बड़ी हो गई है, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी हो गई है कि अब आगे की क्या रणनीति समाजवादी पार्टी यानी मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में करने वाला है, कैसे लड़ाई लड़ेगा, ये सवाल बन रहा है। और अहम बात यह भी है कि आखिर इतने हालात कैसे समाजवादी पार्टी के खराब हो गए कि वो 36 में से एक भी सीट पर फाइट करती तक नहीं नजर आ पाई। 9 तो पहले ही गवा दिए थे, 27 पे जहां वोटिंग हुई उसमें कहीं पर भी नामो निशान नहीं आया, 2 निर्दल प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली, वो बाहुबली हैं, और 1 रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी ने जीती है। तो आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी कमियां कैसे हो गई, कैसे इतनी समस्याएं हो गई कि उनके प्रत्याशी इस पूरे चुनाव में फाइट तक नहीं कर पाए, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। अभी अपने में एक नया इतिहास है और इतिहास के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थकों और जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले हैं उन सबको अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं और विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। शासन प्रशासन जिस प्रत्याशी के साथ था उनकी जीत हुई है, पर मैं मानता हूं लोकतंत्र की ये हार है और इसको बचाने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता संघर्ष करता रहेगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरिफ महमूद हमारे साथ RLD से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं और चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। समाजवादी पार्टी के कुछ साथी, माफी जगह समाजवादी पार्टी की तरफ से नेतृत्व करने वाले साथी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आरिफ भाई आपके पास आना चाहूंगा, ये ऐसा क्या हो गया कि इस MLC चुनाव में आप लोग कहीं पर भी फाइट करते तक नहीं नजर आ पाए, 27 सीटों पर किसी तरह से आप लोग पर्चा जमा करवा पाए थे और ये कह रहे थे कि हम कुछ तो जीत ही जाएंगे, लेकिन फाइट तक नहीं हुई, यहाँ पर क्या दिक्कत रह गई, क्या कमी रह गई जो बीजेपी सारी सीटें जीत गई वहां से? अरे भाई आवाज मिल रही है आपको? आरिफ महमूद जी आवाज मिल रही है आपको? जी आ गई। हाँ आरिफ भाई, मेरा सवाल था ये कि ऐसी कौन सी कमी रह गई आपके गठबंधन के प्रत्याशियों में, समाजवादी पार्टी या RLD की बात कर ली जाए, कि एक को सीट पर आप फाइट करते तक नहीं नजर आए? नितिन भाई जी, यार चुनावी बेला बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, कई महीनों से चल रहा है। जिला पंचायत में भी आपने यही परिस्थितियां देखी थी कि सरकार को किसी भी हेन-केन प्रकरणों से जिला पंचायत भी जीतना है, अध्यक्ष भी जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाना है। ये सब सारी चीजें, ये सब सरकार के चुनाव होते हैं। ये MLC का चुनाव इस तरीके से हुआ है, ये आपने देखा भी है, शुरुआती दौर से कहीं पर्चे छुड़ाए जा रहे हैं, कहीं किसी को बुलडोजर की धमकी दी जा रही है, कहीं पर किसी को दरवा धमका करके उसको बैठाला जा रहा है, वापस किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें है, ये सब सत्ता पक्ष के चुनाव होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कहना कि हमने मेहनत किया था और हमको परिणाम नहीं मिला, ये तो बिल्कुल सत्य है कि भाई हमने मेहनत किया है
और मजबूती से हम लड़े हैं, जहाँ जहाँ तक था ये सब धन बल बाहुबल का चुनाव होता है और ये जहाँ सत्ता होती है ये चुनाव उधर ही जाता है। तो अब तो समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी ना आप लोगों के लिए भाई, अब तो विधानसभा भी गया, विधान परिषद भी गया, तो दिक्कत तो बढ़ने वाली है, अब क्या होगा आगे? कुछ नहीं, जो भी दिक्कत पड़ेगी उसको हम लोग मजबूती से, विपक्ष का जो काम होता है हम लोग सदन के अंदर भी उठाएंगे, बाहर भी उठाएंगे। अब मजबूती से हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी गलत काम करेगी उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और सड़कों तक संघर्ष करेंगे। चुनावी बेला, चुनावी बेला, अरे भाई सरकार को चिताएंगे हम लोग। चुनावी बेला की आप बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि सत्ता का चुनाव होता है, तो ये चुनाव तो इसी तरह से चलते जाएंगे। अभी कुछ दिनों बाद फिर वो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आप लोग अगर ऐसे बैठे रह जाएंगे कि चलो सत्ता का चुनाव है जाने, तो ये भी नहीं, कहां निष्पक्ष चुनाव होता है आप देख रहे हैं। अब आप वही चीज मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के रिज्यूम में कहीं निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? तो ये वाला निष्पक्ष नहीं हुआ है, संघर्ष करने वाले भी, विरोधी दल के संघर्ष करने वाले भी लोग जीत सकेंगे। हाँ। वो लोग भी सदन के अंदर पहुंच सकेंगे, आप जान रहे हैं। हाँ। अब उसमें कहना क्या है, हमारे केसी जैन जी बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, मगर मैं हाँ। आपसे कह रहा हूँ कि ये आप इनसे पूछिए थोड़ा कुरेद करके कि भाई जहाँ पर आप नहीं जीत सक रहे थे वहाँ पे आप जीत कैसे गए? मैंने कहा पहले आपकी बात आ जाए फिर इनके पास जाऊं जी, मैंने कहा पहले आपकी बात आ जाए फिर इनके पास जाओ। नहीं नहीं वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ इनकी बारी आएगी तो आप सवाल पूछिएगा इनसे, पूछिए कि ये तो आप ये विधानसभा से ये सवाल, मैं तो आपके डिबेट में बार बार यही सवाल कहता था कि विधानसभा में भी यही पोजीशन रही कि जहाँ पर विपक्ष जीत रहा था वहां पर ये कैसे जीत गए। अब ये MLC के दौर में भी मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये हार रहे थे वहां पर ये कैसे जीत गए। अब आप इनसे ये पूछिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी फिर इसी चुनाव में भ्रष्टाचार के बल पर चुनाव जीत करके आ गई विधान परिषद अच्छा, के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ जबान से चिल्लाते रहेंगे कि हम भ्रष्टाचार के हम विरोधी हैं, भ्रष्टाचार हम नहीं पनपने देंगे, हम नहीं करने देंगे, दो चार थे DMSP को सस्पेंड करके ये अपने ईमानदारी का तमगा इसी तरीके से ये दिखाते रहेंगे और अंदर अंदर चुनाव जब जब आएगा चुनाव तब तब ये भ्रष्टाचार कि ये हांडी चढ़ाते रहेंगे और ये जीत जीत करके इसी तरह से सदन में पहुंचते। ठीक है आरिफ भाई, ठीक है। चंद्रेश भाई आवाज मिल रही है आपको? चंद्रेश कुमार सिंह चंद्रेश भाई, ये क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आखिर वीक कहां पर हो गई, कहां पर वो चुनाव में लड़ाई तक नहीं लड़ पाई? हालांकि आरिफ भाई ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार वाला चुनाव था और इसी वजह से BJP जीत गई है, तो इस बात में कितनी सच्चाई मानी जाए? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ था, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ था और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस को आगे करके प्रशासन के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव जीतने का काम किया। हमें पहले से मालूम था कि MLC चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का काम करेगी, संविधान को कुचलने का काम करेगी। हमारा विरोध था और हमने स्पष्ट किया था सभी राजनीतिक पार्टियों से कि वो MLC चुनाव का विरोध करें, इस चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने देगी। तो ये सपा वालों ने बात नहीं मानी आपकी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, सुनिए, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस चुनाव का। इस चुनाव में हमें भी चुनाव लड़ना था, देवरिया कुशीनगर से हमने कांग्रेस पार्टी से आवेदन मांगा। हमें कहा गया कि आप तैयारी करिए, चुनाव आपको लड़ना है। पार्टी ने जब इनकी स्थिति देखी, हम जब क्षेत्र में जाते थे घूमने प्रचार करने वोट मांगने, तो प्रशासन हमारे पीछे लग जाता था, धमकियां देता था, SP धमकी देते थे, थानेदार धमकी देता था, जिला अधिकारी BDO ADO CDO को आगे करके प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को, BDC सदस्यों को धमकी देने का काम करते थे। हम लोगों ने रिपोर्ट पार्टी को दिया कि देखिए वर्तमान स्थिति यह है, इसमें चुनाव लड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं और अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी का संबंध लोकतंत्र से अब रही नहीं गया है। RSS भारत पर कब्जा करने की नियति से आगे बढ़ रहा है, संविधान को खत्म करना चाहता है और वो इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हम इनको रोकने का काम करेंगे, अंतिम सांस तक इनका विरोध करेंगे। ठीक है, मैं क्या तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी चुनाव है। मैं भाई, नतीजे ठीक नहीं आए हैं एक बार फिर से, पहले विधानसभा चुनाव और इस बार MLC चुनाव। आप लोग कह रहे थे कि हम लोग टक्कर देंगे लेकिन टक्कर तक नहीं हो पाई, अब आगे की क्या रणनीति है, कमी कहाँ रहेगी?
देखिए नितिन जी, एक तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है, और बात चुनाव नतीजों की तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और बड़े भाई केसी जैन जी को बधाई दूंगा कि वो लोग विधान परिषद का चुनाव जीत गए हैं। हालांकि ये जीत भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा शासन और प्रशासन की है, क्योंकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रहे थे, बाकी अन्य कोई पार्टियां इस चुनाव में नहीं लड़ रही थी। नहीं तो संदेश बता रहे ना कि उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती थी। पुलिसिया कार्रवाई भाई हमारे भी प्रत्याशियों के ऊपर हुई, डॉक्टर कफील के ऊपर 6 घंटे में उनको 6-6 बार जांच के लिए सड़क पर रोका जाता है बाकायदा, इसीलिए कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। देख कांग्रेस तो खैर अब इनके बारे में कुछ कहना नहीं है, ये लोग जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। मैं बात अपने पार्टी का पक्ष रखने आया हूँ तो मैं उसके लिए बता दूं, भारत मैं बात कर रहा था कफील खान की, तो कफील खान जब भी अपना चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे बीडीसी ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य पार्षद या जो चेयरमैन होते उनसे मिलने निकलते तो उन पर शासन प्रशासन का इतना दबाव होता था कि एक दरोगा उनसे बदतमीजी करता था, और कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए कि उनसे बाकायदा बदतमीजी कर रहा है, और उनके पास निकलता क्या था, जब चेकिंग होती थी जांच होती थी उसमें 100-200 रुपए निकलते थे। तो शासन प्रशासन ने सिर्फ वही नहीं, हमारी सुल्तानपुर की प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के ऊपर उनके पति और उनके देवर मतलब इतने मुकदमे ला दिए गए, हर दिन एक मुकदमा, जब तक कि चुनाव पूरा नहीं होगा तब तक कि उनके परिवार पर हर दिन एक मुकदमा लगता ही था, सिर्फ इसलिए कि वो लोग चुनाव प्रचार के लिए क्यों निकल रहे हैं, ग्राम प्रधान बीडीसी से संपर्क क्यों कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ रही थी, उन्होंने सिर्फ अपने प्रत्याशी उतार दिए, चुनाव पूरा शासन प्रशासन डीएम एसडीएम लड़ रहे थे। तो ये सीधी सी बात है कि सत्ता का चुनाव है तो सत्ता, लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए सत्ता को कि सामने भाई हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोग हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये लोग चाइना की तरह होते जा रहे हैं कि मतलब एक देश एक राज, तो ये चल नहीं पाएगा जब तक कि हम लोग हैं, हम लोगों में जान है, इनका विरोध करते रहेंगे और इनका विरोध होता रहेगा, चुनाव ही हारे हौसला थोड़ी टूटा है, ठीक है चुनाव लड़ा जाएगा। जैन साहब सबकी बातें सुनी आपने, बड़ा हंस हंस के रिएक्शन दे रहे थे, अब आपकी बारी है। जीत गए हैं भाई आप लोग, एक बार फिर से पास हो चुके हैं, लेकिन आरोप आपके लिए आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि सत्ता का चुनाव था, अधिकारियों के बल पर जीता गया, विपक्षियों को कभी पर्चा नहीं जमा करने दिया गया, जो प्रत्याशी बन गए थे उनकी चेकिंग करवाई गई, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई करवाई गई, कांग्रेस ने इसीलिए चुनाव का बहिष्कार कर दिया, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, कई सारे आरोप जो हैं वो आप लोग के ऊपर लगे हैं इस चुनाव के नतीजे के बाद। पहली बात तो ये कि अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ वो चाहे कि लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहे, देखिए क्या भारत देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि किसी प्रदेश के एमएलसी चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो भारत देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभी आपने बताया कि 2016 में जब यही एमएलसी के चुनाव हुए थे तो इन 36 सीटों में से 31 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ पास में थी। तो अगर 2016 में समाजवादी पार्टी 36 में से 31 सीटें जीत जाती है तो लोकतंत्र बहाल हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी 6 साल के बाद 2022 में अगर उन 36 सीटों में से 33 सीटें जीत जाती है, इनसे 2 सीटें ज्यादा है 2016 के परिप्रेक्ष्य में, तो 2 सीटें हमारे ज्यादा जीतने से लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, क्या बात है। और यही 2000 चूंकि इलेक्शन 2016 में हुए थे तब भी कांग्रेस का सूपड़ा तब भी साफ हुआ था, और यही इसी कांग्रेस ने आरोप भी लगाए थे समाजवादी पार्टी पे कि जो है सत्ता ने बेईमानी करके इससे चुनाव जीते। और 2017 के इलेक्शन में यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव जी और राहुल जी
साथ में 2017 का चुनाव लड़ते हैं और 100 से ज्यादा सीटों का दोनों के बीच में गठबंधन होता है, कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलती और फिर भी इनका सुपड़ा 2017 में भी साफ हो जाता है, 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते दोनों लोग मिलकर के, पता चलता है। उसके बाद में मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को लेकर 2019-2014 को जोड़ लिया जाए तब तो इनका पूरा सुपड़ा साफ ही है। अभी कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं, बहन जी को 1 सीट मिलती है और इनको पता है कि पूरे विधानसभा में अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सत्ता का चुनाव है क्योंकि गिनती के वोट हैं और आप ग्राम प्रधान को, बीडीसी को, जिला पंचायत अध्यक्ष को आप धमका रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। भाई वो तो आम जनता का चुनाव था और उसमें तो जो है राहुल गांधी जी की बहन ने खूब धमाल भी बचाया और उसके बाद आप 2 सीटें पे सिमट गए प्रदेश में। नहीं तो सपा कह रही कि धमाल मचवाया गया आप लोगों की तरफ से, सपा तो हमेशा कहती आई है कि आप लोग ने जानबूझ के धमाल मचवाया है, अखिलेश को रोक अखिलेश जी को रोक लेते थे, प्रियंका जी को नहीं रोकते थे आप लोग। देखिए नितिन जी, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये 36 में से 31 सीटें जीतते 2016 में, तो लोकतंत्र बहाल, कांग्रेस का सफाया विधानसभा चुनाव में हो गया और ये भी कह रहे थे जहां जीत रहे थे वहां, जहां हार रहे थे वहां जीत कैसे गए। अरे ये आपका आंकड़ा था, आपका अनुमान था हम हार रहे हैं जबकि लगभग लगभग, अरे भाई आऊंगा सुन लीजिए, 99% नीति जी एक बार डाटा रखा हूँ केवल, 99% जो सर्वे रिपोर्ट आई चैनलों की सब कह रहे थे 260, 270, 300, 325, 350 तक सीटें, सभी जितने भी सर्वे रिपोर्ट आई सब 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे तो बाहर कह रहे थे, और 250 से कम सीटें तो किसी ने नहीं दी। आप कह रहे थे हम 400 सीटें लेकर के आएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही थी हमारा गठबंधन 400 सीटें ले आएगा, तो हवा हवाई बातें तो आप कर रहे थे और वो हवा हवाई बातें हवा हवाई साबित हुई। और दूसरी बात कि अभी बात एक और आई उभर करके बीच में कि आपने नामांकन नहीं करने दिया, आपने जबरन चुनाव जीत लिया, आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अरे इसके पहले अभी इसी विधानसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे थे कि बैलेट पे हम जीते, आपने ईवीएम में बेईमानी कर ली, ईवीएम मशीन हैक हो गई, ईवीएम मशीन आपने पलटवा दी, ये चुनाव तो बैलेट से था, ये चुनाव तो बैलेट से था, फिर आप क्यों हार गए। दूसरी बात कि चलिए जो 9 सीटें हम निर्विरोध जीते उनको छोड़ दीजिए, बाकी 27 सीटों पे तो आप इलेक्शन लड़े, 27 में आप खाता नहीं खोल पाए, 27 में आप जीरो पे पहुंच गए, 2 निर्दल जीते, 1 राजा भैया की पार्टी के अक्षय यादव जीते और इटावा में जो प्रांशु दत्त हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी चुनाव जीते, जो आपका घर रहा है समाजवादी पार्टी का, और वोट कितने पाए हैं जहाँ पे 4000 वोट थे, पीलीभीत शाहजहांपुर में 4193 वोट थे, कितने वोट पाते उसमें से 500 वोट नहीं पाते। बाराबंकी में भी यही हुआ कि करीब 3600 वोट था और उसमें से 500 वोट नहीं पाते, वहां पे अंगद सिंह जी जीतते। तो आप जहां पर भी चुनाव हुआ है और बैलेट से चुनाव हुआ है, ये कह रहे थे भाई ईवीएम में बेईमानी हो जाती है, तो चलिए बैलेट से चुनाव होता है ये तो, और इसमें भी वोट कितने मिले, वोट का परसेंट देखिए कि 500-600 सीट वोटे वोट पाई है समाजवादी पार्टी, वो भी कितने में, जहां 4000-5000-6000 वोट था वहां पे 500-600 वोट पे सिमट गए, तो कितनी बेईमानी हो गई। चलिए काउंटिंग में बेईमानी अगर कोई कर लेगा तो इनवैलिड आपकी करा देगा, 10-20-25 वोट करवा देगा, लेकिन आपको तो सुपड़ा साफ है। तो कुल मिलाकर के जो आरोप आप लगा रहे हैं कहीं से भी आप उनको सच साबित नहीं कर सकते, सारे के सारे निराधार आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है, और जीरो पे आप आउट हो गए, 36 में से 0 सीटें, और ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं, देखिए मैं बताऊं आपको जल्दी से, थोड़ा जल्दी से आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब ये 36 में से 31 सीटें लेकर के आए थे 2016 में, तो जो क्रियाकलाप इन्होंने किया था जीतने के लिए, जो गणित इन्होंने लगाया था, जो अधिकारियों की फौज इन्होंने लगाई थी, वही चीजें समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी चाल चरित्र और आचरण की है। ठीक है, जबकि शिवपाल जी से नाराज है, शिवपाल जी के संपर्क में जितने भी ग्राम प्रधान बीडीसी क्या वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, बिल्कुल नहीं देंगे, वो साथ आकर के भी दूर है। अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक और सांसद पहले भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो इनके पास बचा क्या है,
क्या बचा इनके पास, ठीक है ठीक, घटक दल है उनसे रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनका, ठीक है। तो ये अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे और आरोप पड़ रहे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जैन साहब, मैं आता हूँ। पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में है। पवन जी, आप इस बीजेपी की जीत को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि लगातार विपक्षियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जबरन जीत हुई है बीजेपी की, चाहे वो पुलिस के बल पे हो सकती हो या अधिकारियों के बल पे हुई हो, पर्चा नहीं जमा करने दिया, चेकिंग हुई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, आप इस जीत को किस नजर से देख रहे हो? नितिन जी, हम लोग के लिए दुर्भाग्य तो ये है कि अगर हम लोग बोलेंगे तो जो विपक्ष के लोग हैं, जो राजनीति करना नहीं जानते, धरातल पे काम नहीं करना चाहते हैं, वो कहेंगे तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। असलियत अगर हम बताएंगे तो सच्चाई यही है कि जमीनी स्तर पे चाहे समाजवादी पार्टी हो, लड़ाई नहीं लड़ पाई, अपने लोगों तक पहुंच नहीं पाई, अपने लोगों से बात नहीं कर पाई कि वोट देना है। तो अगर इस स्तर पे होगा तो बैलेट, इस बार तो बैलेट से चुनाव हुआ, अभी वो जैन साहब कह भी रहे थे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो अलग चीज हो गई। अगर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ना है तो धरातल पे काम करना होगा, ट्विटर से काम नहीं चलने वाला है, जमीनी स्तर पे जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, वोट के लिए कहना होगा। वो अगर आज बीजेपी को जीत हासिल हुई तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत की जीत है। अगर देखिए, हम लोग मानते हैं कि शासन प्रशासन का चुनाव होता है, लेकिन कहाँ कितना होता है, 2%, 1%, 4% होता है, लेकिन जहां पर 4,500 वोट पड़ते हैं, 4,500 वोट पड़ते हैं, 120 वोट, 140 वोट, 170 वोट विपक्ष को मिलता है, समाजवादी पार्टी को मिलता है, 43-44 वोट जो है भारतीय जनता को मिलता है, कहाँ से गड़बड़ हो जाएगा? 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, 20 वोट की बात रख सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपने अंदर की कमियां नहीं देख रहे हैं, ये भाजपा की ओर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ बेईमानी कर लिए, क्या कर लिए हैं, अरे निर्दल भी जीत करके आए हैं दो लोग, वो कैसे जीत गए हैं? अगर उनमें दम नहीं होता तो कैसे चुनाव जीत जाते? भाई वहां भी आप देखिए कि जो है बनारस की बात अगर हम करें तो वहां पे भी ये हो रहा था कि पैसा बांटा जा रहा है, बहुत आरोप लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार वो जीत गई। बीजेपी ने बहुत कुछ किया, साम दाम दंड भेद अपने स्तर से किया, चुनाव जीत गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी कमियों को देखना होगा, संगठन में मजबूती से काम करना होगा। संगठन की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे काम कर रही है, इसको करना होगा समाजवादी पार्टी को। आज आप लोग तो हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ हमारे जो भाई साहब लोग बैठे हैं, सबको मालूम है कि जो दिन आ रहा है, ये अपने चाचा शिवपाल को नहीं बचा पा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो आजम खान के आप देखे होंगे जो उनके साथ जो हो रहा है, जो उनके तरफ से बयान आ रहा है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा जो भी है, उनके सहयोगी हैं, उनके द्वारा जो बयान आ रहा है, उससे अखिलेश जी को भी सीखना चाहिए। लेकिन अभी अखिलेश जी को टस से मस नहीं हो रहा है, वो अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, नो डाउट। कांग्रेस क्यों कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि पुलिस की कार्रवाइयां इतनी हो रही थी, प्रशासन का दबाव इतना, नहीं दम ही नहीं है कांग्रेस में, दम ही नहीं है, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, ये इसको भी समझिए आप। देखिए भी हमारे प्रवक्ता जी कांग्रेस को बता रहे थे, चंद्रेश जी बता रहे थे कि जो है ये खुद तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि मना कर दिया गया कि चुनाव लड़े नहीं पाएंगे आप। अगर आप इतना डर रहे हैं जनता के लिए, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप एक साथ में सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़िए, कोई जरूरी है आप, अगर आप अकेले नहीं हरा पाते, महागठबंधन करिए, बिहार में किया था यहां भी करिए, हर जगह करिए, कोई किसी को रोकथाम नहीं है। लेकिन आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हाँ वो मशीनरी से जीत रहे हैं, वोटिंग बूथ से जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, ये गलत है, आप जमीनी स्तर पे लड़िए। ठीक है ठीक ठीक, आरिफ भाई क्या कह रहे थे आप, बोलिए। मेरा दो सवाल आ रहा हूँ चंद्रेश भाई इसके बाद। हाँ, मैं अपने मित्रों से कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन ले केसी जैन साहब, आपसे पहला सवाल ये है, जवाब आप बाद में दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि ये बताइए, चलिए ठीक है आपको जीत की ढेरों सारी बधाई मैं दे रहा हूँ, मगर मुझे आप ये बतावे कि ये जीत का मंत्र आपका कहाँ से होता है? आप सब पहले तो आप काउंटिंग में पीछे चलते जाते हैं, उसके बाद जब ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो आप लोग फौरन वहां पर ब्रेक कर देते हैं, आप लोग चुनाव काउंटिंग को रोक देते हैं, रोकने के बाद क्या यहां आज भी हुआ था क्या ये? नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, ये आज भी करवाए हैं क्या ये? नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए। क्या फिर उसके बाद ये प्रशासनिक अधिकारियों से ब्रेक करके बीच में बात करते हैं, तब उसके बाद काउंटिंग आगे चलती है, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय हो जाते हैं? और अभी हमारे एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि इन लोगों को राजनीति करना नहीं आता, मेरे मैं अपने पत्रकार महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि दरवाजे में बुलडोजर खड़ा हो तो सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं, और सारे पत्रकारों को आप देखिए थानों में नंगा खड़ा कर दिया। क्या पत्रकार महोदय ये भी बता दें वो पत्रकारों ने जो छापा था वो गलत छापा था? आप इनसे पूछ लीजिए
क्या परिस्थितियां आपके पास पत्रकार साहब के पास ऐसी आ गई कि निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं? नहीं, जब आप लोग बुलडोजर से डर जाओगे तो फिर हम लोग की आवाज कौन सुनेगा भाई? भाई बुलडोजर क्या करेगा? जैन साहब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जैन साहब। सत्ता सुनिए, हम लोग सत्ता पक्ष की तरह पैसे वाले लोग नहीं है। हम लोग जो है मेहनत करते हैं, गरीबों के की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, क्या करें? आप देखिए, आप सड़कों पर आप बुलडोजर चलवाएंगे, मारपीट करवाएंगे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का आप दबाव डलवाएंगे, तब जाकर के जीत तो आप ही जाएंगे ना। ठीक है, जैन साहब कुछ कह रहे हैं, जैन साहब कुछ कह रहे हैं, जैन साहब। नितिन जी, नितिन जी, देखिए पहली बात तो डिबेट डिरेल ना होने का जी। अगर अलग से विषय उठाएंगे, वो चाहे हम हो, चाहे आरिफ जी हो, चाहे आप हो, चाहे पवन जी हो, विषय से अगर इतर जाएंगे तो हमें लगता है उसके लिए 2-4-5 घंटे कम होगा डिबेट के लिए। हम लोगों के पास इतने सारे विषय रहते हैं। और रही बात ये कि जिस चुनाव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चुनाव से रिलेटेड चीजों का अगर आप मूल्यांकन करें, आरिफ जी जो बात आप आरोप लगा रहे, देखिए आप विपक्ष में हैं और जाहिर सी बात है चुनाव हारने के बाद में कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई विकल्प आपको देना है, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बचे हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए, वो कहीं तितर बितर ना हो जाए। पूछ रहा हूँ, इस चीज का डर रहता है, सुन लीजिए बात, देखिए और काफी डिस्टर्ब होता है एक दूसरे की आवाज सुनने में, ऑनलाइन में आपकी आवाज सुनने में बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आपकी आवाज मिल भी नहीं पाती है। और देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, और ये डिबेट हम चाह रहे हैं ऐसे ही हो कि एक दूसरे की बात को पूरा सुने, क्योंकि हमें लगता है नितिन जी आप बहुत अच्छी डिबेट करा रहे हैं आज, क्योंकि ये कोई तूतू में नहीं हो रही, बिल्कुल समीक्षा हो रही है चुनाव के जीत और हार की, और आप एक बहुत अच्छे माहौल में, खुशवा माहौल में अच्छी डिबेट करा रहे हैं। हमें लगता है ऐसे ही जो हम लोगों के पास 20-25 मिनट बचा है वो ऐसे ही डिबेट हो। बिल्कुल, तो देखिए आपका, आपको अधिकार है आरोप लगाने का आरिफ जी को, लेकिन आरोप वो लगाइए जो जनता को समझ में आए, जो आपके अपने लोग हैं उनको समझ में आए, और वो आरोप लगाइए जिसको आप स्वयं स्वीकार कर पाए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है। तो कुल मिला के केवल पार्टी गाइडलाइन पे आरोप लगा देने से नहीं होगा। हमने आपसे एक सवाल किया कि आपसे अगर हम 2 सीटें फालतू जीतते, आप 31 सीटें जीत करके आए थे 2016 में समाजवादी पार्टी के साथ, और अगर हम 33 सीटें जीत जाते हैं तो उसमें क्या लोकतंत्र खत्म हो जाता है? अरे इतनी हल्की बातें तो मत करिए, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खत्म हो गया, यानी आप सत्ता में बैठे रहे तो लोकतंत्र बहाल, और अगर दूसरा दल आ जाए, विपक्ष आ जाए आपके सामने, कभी हम आपके सामने विपक्ष में थे, हम अगर सत्ता में आ गए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या बात है? और दूसरी बात कि हर बात को इस तरीके से जोड़ देना कि बेईमानी हो गई, लूट हो गई, जनमत की लूट हो गई, आपके तमाम सारे साथी बैठते हैं हमारे साथ डिबेट में, कहते जनमत की लूट, अरे आप लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं, ये जनता के द्वारा चुरा हुआ जनप्रतिनिधित्व है और जनता के द्वारा चुरा हुआ है, और आप चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, आप सीधे सीधे सिरे से खारिज कर रहे हैं इसको। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसको स्वीकार करिए आप परमानेंट सत्ता में नहीं रह सकते। इसके पहले कभी बसपा हुआ करती थी, आपसे पहले बसपा हटी, आप आए और समाजवादी पार्टी हटी, भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अनंत काल के लिए 100-200 सालों के लिए हट सकती है, कई प्रदेशों में पहले भी हारे, ऐसा नहीं है ऐसे ही चुनाव हुए। ठीक है जैन साहब, ठीक है, आ गई बात, आ गई, आ गई, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बाकियों की बात सुन लेते हैं। ठीक है जैन, नितिन जी जल्दी से प्लीज, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, हम पंजाब हारे, हमने स्वीकार किया, शहर स्वीकार किया, वहां आम आदमी पार्टी जीती, तो क्या केंद्र की अगर हमारी वो जो है जो ईवीएम मशीन थी क्या पंजाब में नहीं थी? क्या पंजाब में हमारे लोग नहीं थे? या जो है हम अधिकारियों को वहां पे दबाव नहीं डाल सकते थे? अगर आप कह रहे हैं दबाव डाल के चुनाव जीत, ठीक 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 जैन साहब, मैं आ रहा हूँ, बाकियों की बात सुन लीजिए, अभी जवाब और भी देने हैं आपको। हाँ चंद्रेश क्या कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। केसी जैन साहब लगता है धरातल पर नहीं रहते हैं, वो कह रहे हैं आप लोग नहीं रहते, आप कह रहे हैं वो लोग नहीं रहते। मैं वही बता रहा हूँ, नागपुरिया संतरा की एक विशेषता होती है कि उसमें झूठ ही झूठ भरा रहता है, और जब गाड़िए तो केवल झूठ ही झूठ निकलेगा। अच्छा। मैंने आपको पहले ही कहा और एक बार फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आरएसएस इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान में विश्वास नहीं रखती है,
वो देश के लिए ऊपर कब्जा करना चाहती है और आरएसएस के जो एजेंडे हैं उसको देश पर वो जबरदस्ती लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक माध्यम है, वो आरएसएस के हाथ का कठपुतली है। जैन साहब एक एक करके, अभी आप कह रहे थे आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती, बोलने नहीं दीजिए, आप बोल लो, आपको बेचैनी ज्यादा है, आप बोल लो फिर हम बोलेंगे, आप बोल लो, बेचैनी ज्यादा है आपको। और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की हाथ की कठपुतली है। जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र और वह जनपद और वह जनमत आरएसएस के हाथ का कठपुतली है, इस बात का हमारा विरोध है। और ये कह रहे ना केसी जैन साहब, मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ, एक बात नोट कर लो, केसी जैन साहब पेशे से शिक्षक हूँ, राजनीति पेशा नहीं है। आज से 10 घंटा काम करता हूँ तब आके टीवी पर बैठा हुआ हूँ, बैठने से 1 घंटा पहले भी काम कर रहा था। पेशे से राजनीतिज्ञ मैं नहीं हूँ, शौक से राजनीति करता हूँ। गोरखपुर में मैं महंगाई के विरुद्ध एक आंदोलन में था, सिटी मजिस्ट्रेट ने कालर पकड़ कर कहा कि कैरियर खत्म कर दूंगा, तुम्हारे घर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी रोड पर। ये सिटी मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट है, उस दिन मैंने ये संकल्प ले लिया कि राजनीति में आरएसएस का नाश करना एकमात्र विकल्प है। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई सुनेगा कि आरएसएस क्यों हुआ करता था। और ये नोट कर लो केसी जैन साहब, हमारी जड़े देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जड़े हुए हैं। जो अंग्रेजों की औलाद इस देश में अंग्रेजियत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, उस अंग्रेजियत को मिट्टी में मिलाने का काम यदि कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगा। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सूचे राष्ट्रवाद के खिलाफ मजबूती से तैयार हो रहा है और मिट्टी में मिलाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये नोट कर ले, ठीक है चंद्रशेखर, आगे बात आ गई। एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण ले लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी से, समय बहुत कम। जैन साहब प्लीज, जैन साहब सुन लीजिए पहले, जैन साहब सुन लीजिए पहले, प्लीज प्लीज इंटरप्ट नहीं, प्लीज जैन साहब, अभी आप कह रहे थे शांति से पूरी डिबेट खत्म हो जाए, तो प्लीज सुन लीजिए। जैन साहब सुन लो भाई, इस देश में आरएसएस का एक विंग है स्वदेशी जागरण मंच। कांग्रेस के समय जब एफडीआई की बात होती थी स्वदेशी जागरण मंच सड़क पर आकर नंगा नाच करता था, आज खुदरा क्षेत्र में एफडीआई चरम पर है। आज जो है देश के अंदर इन्होंने क्रोनिकलाइजेशन से देश की संपत्तियां बेच रही है, विदेशी कर ठीक है, ठीक है चंद्रेश भाई, आगे बात आ गई, बात आ गई, प्लीज स्वदेशी जागरण मंच, ठीक है बात आ गई, बात आ गई, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, थैंक यू आप लोगों का, ठीक है ठीक है, हम बाकी के पास चलते हैं, ठीक है चंद्रेश भाई, आगे आगे, जैन साहब, जैन साहब सुन लीजिए, ठीक है प्लीज, ठीक है एक एक करके प्लीज, ठीक है, ठीक है चंद्रेश भाई, आगे बात आ गई, जैन साहब प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ठीक है। मयंक यादव हमारे साथ जुड़े हुए, मयंक कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बहुत ही अहम बात जैन साहब ने ये बोली है कि शिवपाल सिंह यादव भी नाराज हो रहे हैं पार्टी से, तो उनके टच में जो वोटर थे उन्होंने भी सपा को वोट नहीं दिया, अपर्णा यादव पहले बीजेपी चली गई तो उनके टच में जो वोटर थे उन्होंने भी सपा को वोट नहीं दिया। देखिए चंद्रेश भाई आ रहा हूँ, चंद्रेश भाई ठीक है, चंद्रेश भाई आ गई, बात आ गई, मयंक को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए अरे कैसे भैया सुन लीजिए, कुछ सुनने सुनिए भैया, देखिए अपर्णा जी का अपर्णा जी का कोई जनाधार नहीं, पहली चीज तो बात अगर माननीय शिवपाल जी की आती है, शिवपाल यादव जी अभी हमारे गठबंधन के सदस्य हैं, अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वो गठबंधन छोड़ रहे हैं या किसी अन्य दल में वो जा रहे हैं। शिवपाल जी लोग ने तो ख्वाब सजा लिए पूरे, देखिए ये लोग तो अच्छे अच्छे ख्वाब सजाते हैं, जैसा कि कोई बातचीत भी हो रही है, नहीं नहीं ख्वाब सजाना अच्छी बात है, ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन बात अभी हो रही थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, पार्टी आपकी क्यों टूट रही है, फिर तो मंथन करिए यार, मंथन हो रहा है, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, हमारा एक एक कार्यकर्ता खुद में अखिलेश यादव है और भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन से लड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और मैं बात बता दूं आपको, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभी आप बात कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा लोकतंत्र का सम्मान करती है, तो केसी भाई वो समय याद करिए जब पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के नामांकन हो रहे थे, तब आपकी पार्टी के तमंचेबाज गुंडों ने लखीमपुर में महिलाओं के आंचल खींचे थे, तब आपका लोकतंत्र कहां था, तब आपके बड़े नेता कहां, तब उनका कोई बयान नहीं आया। और बात सुन लीजिए,
आपका जवाब हम बढ़िया पारिवारिक विवाद था हम सुन रहे थे। सवाल तो ले लीजिए केसी भाई, सवाल तो ले लीजिए। और जब उदयवीर जी का पर्चा छीना जा रहा था, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सब हो रहा था, तब आपका लोकतंत्र कहाँ था भाई? तब आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ थी? देखिए सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सीधा हाथ शासन और प्रशासन का है। हमारी साड़ी खींची गई, हमारा हाथ खींचा गया, कही रहे क्या उसने? भाई वीडियोस वायरल हो, कैसी भैया कैसी बात करते हैं? आप कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जिन चीजों के सबूत है उन चीजों के बारे में तो ना ही बोला जाए। आप नहीं, जिन चीजों की वीडियो वायरल हुई वो सारे सबूत है उनके बारे में ना बोला जाए, ना उन गुंडों पर कोई कार्रवाई हुई, उन गुंडों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। ऐसे एक नहीं तमाम केसेस हुए, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो आज विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें विधान परिषद चुनाव में जिनमें आप लोग जीते, इसके नामांकन के समय भी भारतीय जनता पार्टी के तमंचेबाज गुंडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का तमंचेबाज गुंडे क्यों बोल रहे हैं बार बार आप? देखिए तमंचेबाज गुंडे इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्टी के लोग है ना, हाँ वही इनको सुन लीजिए, सुन लीजिए क्यों बोल रहा हूँ। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी योगी 2.0 की सरकार आई है, तब से बुलंदशहर गाजियाबाद तमंचेबाज गुंडों की वजह से फेमस हो गए। आए दिन एक से एक तरह की लूट हो रही है, मतलब ऐसी लूट हो रही है कि उन पर फिल्में बननी चाहिए। कानपुर में बैंक के लॉकर से गहने गायब हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। अरे भैया जो ये लूट हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 5000 वोट में 200 वोट जो बुलंदशहर और गाजियाबाद में आए दिन लूट हो रही है, 200 वोट भी नहीं मिला आप लोगों को। एक बात तो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है कि अभी 4 साल है देश के नागरिकों में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के 4 साल है, लोगों को काम लेना है। मैं आपको देखिए बात सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के रायबरेली बाराबंकी अगल बगल जितने भी जिले हैं हमारे कई मित्र जिले, प्लीज आ गई आपकी बात सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए चंद्रेश भाई, प्लीज प्लीज ठीक है, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। हाँ जैन साहब, जैन साहब मैं आ रहा हूँ, जवाब लूंगा, पहले पहले मयंक की बात पूरी हो जाने दीजिए, मौका मिलेगा पहले सवाल सुन लीजिए सर, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। ठीक है जैन साहब, आप सवाल पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर बताइएगा। हाँ हमारे मित्र जो रायबरेली बाराबंकी लखनऊ उन्नाव में हमारे कई मित्र है जो प्रधान बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य है, उन लोगों के पास क्षेत्रीय विधायकों का एसडीएम का फोन जाता है कि आपको विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशियों को वोट देना है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके आपके वहाँ विकास कार्य रोक दिए। अरे सुन तो लीजिए कैसी साहब, सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता तो रखिए, कृपया सुनने की क्षमता रखिए बड़े भाई, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है, आप लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये भी आप लोगों की बहुत बड़ी कमी है। देखिए जो आप लोग इस समय चुनाव जीतते हैं आपको बधाई हो, इतना उत्साहित नहीं होना है, इतना उत्साहित नहीं होना है, आप चुनाव जीते आपको बधाई हो, लेकिन आप लोग जो ये लोकतंत्र के साथ डेली कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपराधियों को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं, ये जानिए पहले। आप बताइए, मैं बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा उस डीएम और एसडीएम के खिलाफ। आप बोलिए। अरे आप कुछ नहीं, किस पे मुकदमा लिखाएंगे? आपके बहुत आगे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता का मकान गिर रहा होता है, जिसका नक्शा नहीं पास होता है, बोरा जी रुकवा देते हैं, ये आप रुकवाएंगे, आप मुकदमा लिखवाएंगे सर, ये आप मुकदमा लिखवाएंगे? हाँ मैं लिखवाऊंगा। बोरा जी, बोरा जी ने जिस भारतीय जनता पार्टी के गुंडे का मकान बनने से टूटने से रुकवाया, उसका नक्शा नहीं पास था, वो मकान क्यों नहीं टूटा, उसने तो डोजर क्यों नहीं चला? आप भी लखनऊ रहते हैं, हम भी क्या कह रहे हैं? जैन साहब की सुन लेते हैं, जैन साहब की सुन लेते हैं, ठीक है मयंक, मयंक जैन साहब क्या कह रहे हैं जल्दी से? चंद्रेश भाई आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, जल्दी से बोलिए, समय बहुत कम है, जल्दी से। एक बात तो क्लियर हो गया कि मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर लिखा जाता है, केसी जैन ने कहा मुकदमा मैं लिखवाऊंगा, इसका मतलब केसी जैन का इशारा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैन साहब जैन साहब बात पूरी की, मुकदमा ठीक है चंद्रेश भाई, हो गई बात, आ गई बात, आ गई चंद्रेश भाई बात, आ गई जैन साहब की बात है, मुकदमा प्रशासन लिखने का, ठीक है प्लीज प्लीज चंद्रेश भाई, हाँ
जैन साहब ठीक है, जैन साहब बात पूरी कीजिए जल्दी से। ये कपोल कल्पित और झूठी बातें हो रही हैं। वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन पे, उस डीएम और एसडीएम का नाम चंद्रेश प्लीज भाई, चंद्रेश भाई प्लीज प्लीज चंद्रेश भाई सुन लीजिए। केसी भाई अगर उदयवीर जी का पर्चा छीनने का वीडियो ना हो तो कहिए मैं आपको भेजू। उदयवीर जी का पर्चा जब छीना गया वहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद था, अगर वीडियो ना हो तो आपके पास भेज दूं मैं, अगर आपके पास वीडियो ना हो तो भेजू मैं। और जो मुकदमे की आप बात कर रहे हैं केसी भाई, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे आपकी सरकार ने मुझ पर भी लाते हैं, मैं भी मुकदमे लड़ रहा हूँ। मुकदमों की धमकी ना दी जाए, कृपया मुकदमों की धमकी ना दी जाए, जितने मुकदमे लादने हो लाद लीजिए, आपके मुकदमों से डरने वाले हम लोग नहीं है। अरे फ्रॉड लोग आपको फोन करके बता रहे भाई, मुकदमों से डरने वाले हम लोग नहीं है। पार्टी के फ्रॉड लोग जो बैठे आपको बता दिए कि एसडीएम ने धमकाया, आपने मान लिया। अरे कैसे भाई, उसका वीडियो है, कहिए तो आपको भेजू मैं। अरे भेजिए, बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेजिए, नहीं वो रिकॉर्डिंग उसकी जो अधिकारी फोन कर रहे हैं, जो अधिकारियों ने फोन किया है वोटर्स को। चंद्रेश भाई प्लीज, हो गई आपकी बात, आ गई बात, हो जाने दीजिए प्लीज। चंद्रेश भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए और उन पर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। चुनाव से भाग गए और इनके राहुल गांधी जी चुनाव से भागे नहीं, चुनाव का बहिष्कार किए, जिस लोकतंत्र को आप चलने जा रहे थे उसका भंग किया। आपकी हैसियत नहीं है कि हमें चुनाव से भगा देंगे। देश की जनता ने और समझ में आया कि 70 साल आपने सत्ता से बाहर क्यों रखे, राष्ट्रीय तंत्र से 70 साल भारत की जनता ने राजनीति में उगले। ठीक है प्लीज, हो गया आप लोगों का, हो गया प्लीज, आ गई बात, आ गई आप लोगों की। भाई पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, पवन जी आप देख रहे हैं कई सारी चीजें निकल कर सामने आई। जैन साहब ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव नाराज है तो वो वोट भी सपा को नहीं पहुंचा, मयंक यादव ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने वोटर्स को धमकाया है, कई सारी चीजें निकल कर सामने आई है, आपको क्या लगता है? गरीबी नहीं खत्म हुई, सीधे गरीब को। ठीक है जैन साहब प्लीज सुन लीजिए, आखिरी समय बचा हुआ है डिबेट का प्लीज। नितिन जी ये अभी जिस बात की हमने चर्चा की थी कि मेन मुद्दे से हट करके ये धरातल पे काम नहीं करना चाह रहे, कुछ भी आरोप लगाएं, जैसे भी आरोप हो, आरोप है जैसे भाई साहब अभी है समाजवादी पार्टी के मयंक जी हैं, इन्होंने कहा कि जो है वोटर्स जो था वहाँ पे प्रधान को उसको धमकाया गया, उसकी ऑडियो है, उसकी वीडियो है, अगर हो तो आपको दीजिए, आप चलाएं इस पे, केवल बहस नहीं किया जाना चाहिए, अगर है आपके पास आप यहीं पर बताइए, आप दीजिए, आप चले, हम देखते हैं कैसे कार्रवाई नहीं होती है सर। एक बात, दूसरी बात ये है कि बिना छानबीन के आप कार्रवाई करवा देंगे। मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ, मेरा कॉलर पकड़ कर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा करियर खराब कर देंगे। नहीं ये देखिए आपकी राजनीति, सुनिए कौन मुकदमा करेगा? अरे सुनिए हम लोग भी जमीन पर आते हैं, आप अरे जमीन पे आप नहीं आते हैं, सुनिए चंद्रेश जी, आप सुनिए चंद्रेश जी, आप जमीन पे नहीं आते, अगर जमीन पे आए होते तो जनता के साथ खड़े होते, आप चुनाव लड़ते, आप जमीन पे नहीं आए हैं, आप जो है कुछ दिन बाद बोल रहे हैं ना, ये बोलना भी बंद हो जाएगा, कुछ ही दिन का इंतजार करिए। चंद्रेश जी चिल्लाने से मतलब नहीं हल होगा, भाजपा को समर्थन करते रहे ना तो ये टीवी चैनल बोलने लायक नहीं रहेगा। चंद्रेश जी आप किसी के ऊपर सुनिए पहले आप अपने जवान पे काबू रखिए, चंद्रेश जी आप अपने जवान पे काबू रखिए, चंद्रेश जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप अगर प्रूफ है सुनिए, नहीं चंद्रेश जी मेरी सुनिए आप सुनना सीखिए, अच्छे प्रवक्ता बनिए, सुनिए आप बोल देंगे सही है, आप मुकदमा दर्ज कराते हैं, मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं और ईमानदारों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। सुनो हीरो न बनो, सुनिए चंद्रेश जी कंट्रोल ये देंगे, सुनिए अच्छे प्रवक्ता बनिए, अरे सुनना सीखो, किससे छुपा उत्तर प्रदेश में आप समर्थन कर रहे हैं, पहले सुनना सीखो चंद्रेश जी, पहले सुनना सीखिए और आप अच्छे प्रवक्ता बनिए, आप बिना कागज पत्र के बिना प्रूफ अगर हम कह रहे हैं आप दीजिए, आप हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, आप मेरे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए, किसको देंगे? आपको देंगे, अरे
आपने किसी को आपने कहीं शिकायत किया? आपका ग्वालियर सिटी मजिस्ट्रेट ने पकड़ा, सुने प्रशासन की आपकी कठपुतली इस समय स्पष्ट? अरे तो सुनो मेरे भैया चंद्रेश जी, सुनिए आपको, अधिकारों का रोज पूरे पूछा जा रहा है चंद्रेश जी, सबसे अधिक मौत। चंद्रेश जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए चंद्रेश भाई, चंद्रेश भाई प्लीज, क्या हो गया आपको थोड़ा जल्द पीजिए। चंद्रेश भाई प्लीज प्लीज बोल लेने दीजिए, दूसरों को बोल लेने दीजिए। चंद्रेश भाई प्लीज, चंद्रेश जी आप थोड़ा जल पीजिए पहला। दूसरी बात, अच्छे प्रवक्ता बनिए आप, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका अगर सिटी में आप सुनना सीखिए भाई, आप कैसे आपने दीपक पर सवाल खड़ा किया? अरे सुनो तो मेरी बात, चंद्रेश भाई प्लीज, चंद्रेश भाई प्लीज, ऑडियो डाउन किया जाए, इस तरह से काम नहीं होता। चंद्रेश भाई प्लीज, आप अच्छे प्रवक्ता हमको लग रहे हैं लेकिन आपकी भाषा से हमको कंफर्म नहीं कर पा रहे। चंद्रेश जी पहले सुनना सीखिए आप, अगर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, हम कह रहे हैं कि अगर सिटी मजिस्ट्रेट ने आपका कॉलर पकड़ा, आपने कहीं लिखित शिकायत किया, आप केवल हाँ या ना बोलिएगा, आप केवल हाँ या ना बोलिएगा। अगर आपने फिर आप तुम्हारा पुलिस तुम्हारा शिकायत भी तुम्ही से करे, तुम्हारी शिकायत तुम्ही से करे, वाह भाई, मतलब आपको आपको भारत के, सुनिए 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 चंद्रेश जी, सुनिए चंद्रेश जी, सुनिए चंद्रेश जी, ठीक है प्लीज, चंद्रेश भाई, चंद्रेश भाई सुन लीजिए प्लीज, आप ये चाहते हैं कि किसी कमरे में होटल में पुलिस मेरा इनकाउंटर कर दे, आप ये चाहते हैं? चंद्रेश जी सुनिए, चंद्रेश जी हम आपको सुनिए, पुलिस गोली मारती है आम नागरिकों को, सुनिए सुनिए उत्तर प्रदेश की अच्छा समय कम है मेरे पास प्लीज, समय कम है मेरे पास, उत्तर प्रदेश में सुनिए सर, सर चंद्रेश जी हम आपको चंद्रेश जी अब सुन लीजिएगा, मत बोलिएगा, अब मत बोलिएगा चंद्रेश जी, एक मिनट रुकिए भैया, जैन साहब रुकिए, आप भी रुकिए। चंद्रेश जी हम आपको एज ए प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी में यहाँ पे हम आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, नोट करिएगा, बीच में मत बोलिएगा बाइंदा से प्लीज, एक निवेदन है आप सुनिएगा, निवेदन है चंद्रेश जी, आज एज ए प्रवक्ता आप आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप कोई शिकायत करते हैं कुछ होता है, भारत का संविधान आप नहीं मानते हैं, आपके कथन के अनुसार भारत का संविधान नहीं है, राइट? हाँ या ना बोलिएगा, पूरी कहानी मत सुनाइएगा, आप पूरी कहानी मत सुनाइएगा, आप आपकी शिकायत सुनिए, आपकी अगर आप मोहन जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन मैं शिकायत ही नहीं करें, मैम जी अगर आपके साथ कुछ हो जाए आप संविधान पे विश्वास नहीं करेंगे, आप संविधान पे विश्वास नहीं करेंगे, जल्दी से प्लीज प्लीज, ठीक है मैं की सुन लेते हैं, मैं की सुन लेते हैं प्लीज 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 प्लीज, समय बहुत कम है मेरे पास, समय बहुत कम है, 20 सेकंड, मैं आपको बता मेरी बात भी, चंद्रेश जी का ऑडियो डाउन करिए भाई, चंद्रेश जी का, हाँ मैं ठीक, देखिए पवन जी मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, तो जब भी कोई ऐसा वैसा कृत्य होता है, देखिए मैं छात्र राजनीति से आया, 2012 में चुनाव लड़ रहा था, तो ऐसे तमाम शिकायतें आती हैं, थाने जाया जाता है लेकिन वहां पर FIR नहीं होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव होता है। देखिए कुछ चीजें देखिए माननी पड़ती हैं, अगर आप हम पे कह रहे हैं कि उंगली उठा रहे हैं कि आपका संगठन कमजोर है, हाँ हम इस चीज को मानेंगे कि हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए मानूंगा मैं क्योंकि हम लोग चुनाव हारे हैं, और अपनी आलोचना सुनना भी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, लेकिन मैं जो भारतीय जनता पार्टी जो कृत्य कर रही है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 2 दिन पहले बोरा जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के वहां जब बुलडोजर गया वो गिरने लगा, पहुंच जाते हैं बुलडोजर वहां से वापस इसलिए चला जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर था और उसका नक्शा नहीं पास था, और वहां पर यह कहा जाता है कि नगर निगम पूरे पेपर लेकर नहीं गया। चलिए अब विपक्ष के पास जाते हैं या आम जनमानस के का घर गिराने जाते हैं तो सारे पेपर कंप्लीट होते हैं, ये चीजें भी कहना आपको पड़ेगा, आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मान के साथ चर्चा करेंगे, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजे यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आई है विधानसभा चुनाव के बाद, और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से विचार करना जरूरी कि आखिर उनके लिए कमियां कहां रह गई। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।